छठ पूजा के बाद वापस जाने के लिए चलेंगी खास ट्रेनें। अहमदाबाद, अंबाला, आनंद विहार, नई दिल्ली और कोलकाता के लिए खास ट्रेनों की लिस्ट जारी की गई है। छठ पूजा में शामिल होने के लिए जिस तरीके से लोगों की भीड़ दूसरे शहरों से बिहार आ रही है, ठीक उसी तरीके से छठ पूजा के खत्म होने के बाद लोगों की भीड़ वापस उन शहरों को लौटने लगेगी जहाँ रहकर वो अपना काम काज करते हैं। इस बात को रेलवे बेहतर तरीके से समझ रही है। ट्रेन में सफर करने वाले पैसेंजर्स की भीड़ इस कदर है कि डेली चलने वाली ट्रेनों में जगह मिल नहीं पाएगी। इस कारण रेलवे लोगों की वापसी के लिए भी पटना समेत बिहार के अलग अलग स्टेशन से स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है, जिसकी एक लिस्ट पूर्व मध्य रेलवे ने शुक्रवार की शाम जारी की। ये स्पेशल ट्रेनें अहमदाबाद, अंबाला, आनंद विहार, नई दिल्ली और कोलकाता के लिए चलाई जाएंगी। 05522 स्पेशल ट्रेन दरभंगा से अहमदाबाद के लिए 21 नवंबर को 6:15 पर प्रस्थान कर अगले दिन 5 बजे, आपको बता दें अगले दिन 5 बजे अहमदाबाद पहुंच जाएगी। यह ट्रेन सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर के रास्ते जाएगी। 05575 स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन सहरसा से अंबाला के लिए 22 नवंबर को 19:10 यानी 7:10 पर रवाना होगी। अगले दिन 23:15 यानी 11:15 पर अंबाला पहुंच जाएगी। इस ट्रेन का परिचालन सिमरी, बख्तियारपुर, मानसी, खगड़िया, समस्तीपुर, दरभंगा, कमतौल, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बैरगनिया, रक्सौल, नरकटियागंज के रास्ते जाएगी। 05571 स्पेशल ट्रेन जयनगर से आनंद विहार टर्मिनस के लिए 23 नवंबर को 6 बजे खुलेगी, फिर अगले दिन 5 बजे आनंद विहार टर्मिनस पहुंच जाएगी। यह ट्रेन मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के रास्ते आनंद विहार टर्मिनस तक पहुंच जाएगी। 03245 स्पेशल ट्रेन हावड़ा से रक्सौल के लिए 20 और 23 नवंबर को रात 11 बजे खुलेगी। अगले दिन यह ट्रेन 14:15 यानी 2:15 पर रक्सौल के लिए पहुंच जाएगी। आपको बता दें चलें 022 स्पेशल ट्रेन दरभंगा से नई दिल्ली के लिए 18 नवंबर को रात 11 बजे खुलेगी। अगले दिन 18:15 यानी 6:15 पर नई दिल्ली पहुंच जाएगी। तो आपको बता दें लगातार रेलवे प्रशासन छठ यात्रियों के लिए सहूलियत प्रदान कर रहा है, क्योंकि जो छठ यात्री बाहर राज्यों से बिहार के लिए आते हैं उनको वापस जाने के लिए रेलवे प्रशासन लगातार कटिबद्ध है और लोगों को कोई परेशानी न हो इसके लिए खास ट्रेनें चला रहा है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।